हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत खास होने वाली है जो भाई यूट्यूब पे अपना शॉर्ट अपलोड करके अपने कैरियर की तलाश कर रहे हैं, यानी कि अपने कैरियर को एक अच्छी उड़ान देना चाहते हैं शॉर्ट से, यानी कि अपने चैनल को एक अच्छी बूस्ट देना चाहते हैं। तो उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही खास है। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, क्योंकि शॉर्ट क्रिएटर के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ क्यों हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर यूट्यूब ने हमें एक नया अपडेट दे दिया, और अपडेट ये है कि यहाँ पर आपसे आगे को आप अपने शॉर्ट पर भाई थंबनेल लगा सकते हैं अपनी अकॉर्डिंग, जो है अपनी क्लिप का पार्ट कोई भी अपनी मर्जी के हिसाब से आप सेलेक्ट करके वहाँ पर दिखा सकते हैं। क्योंकि उससे पहले जो है शॉर्ट में हमें कभी भी थंबनेल लगाने का कोई ऑप्शन नहीं मिलता था, डायरेक्टली जो है यूट्यूब ऑटो सेलेक्ट में जो भी थंबनेल चूज करता था वही हमें देखने के लिए मिलता था। अब जब हम शॉर्ट पर थंबनेल अच्छा लगाएंगे तो हमारे चांसेस हो जाएंगे कि हमारी वीडियो जल्दी रैंक करेगी और अच्छे व्यू लेके आएगी, क्योंकि यहाँ पर यूट्यूब में हमें जगह जगह शॉर्ट भीड़ में जो है यूट्यूब के थंबनेल देखने के लिए मिलते हैं। अब इन थंबनेलों को हमें किस तरीके से लगाना है इस वीडियो में हम पूरा सीखने वाले हैं, सब कुछ समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि हमें किस तरीके से अपनी शॉर्ट वीडियो में अपना थंबनेल जो है लगाना है। तो सिंपल देखो, जैसे कि मेरे पास में यहां पर ये फोन है, मैं यहां पर आपको समझाऊं कि मुझे किस तरीके से इसमें जो है हमें शॉर्ट में थंबनेल लगाना होता है। तो डायरेक्टली मैं यहां पर यूट्यूब पे क्लिक करता हूं। अब ये मेरा यूट्यूब है, ठीक है, यहां पर यूट्यूब पे मैंने क्लिक किया, डायरेक्टली हमें जो है शॉर्ट वाले आइकन पे यहां पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही हमें क्रिएट शॉर्ट पे जाना। अगर आपका यहां पर गैलरी में आपका कोई जो है शॉर्ट है तो आप उसे यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप यहां से जो है कैमरे अकॉर्डिंग से कैमरे के फेस से बनाना चाहते हैं, जो भी यूट्यूब का कैमरा है उससे बनाना चाहते हैं, तो यहां से आप क्रिएट भी कर सकते हैं। टाइम फ्रेम भी ऊपर साइड में आप देख सकते हैं इस साइड में, क्या आप इसे भी टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हैं। अब यहां पर होता क्या है कि मैं फॉर एग्जाम्पल यहां से मैं जो है कोई भी एक शॉर्ट सेलेक्ट कर लेता हूं आपको एज ए थंबनेल लगाने के समझाने के लिए। तो सिंपल मेरा ये ऊपर वाला एक बच्ची का जो है शॉर्ट है, मैं इसको क्लिक कर देता हूँ, ये मेरा शॉर्ट आ गया। अब यहाँ पर पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि सारी बातें तभी समझ आएंगे, आधी वीडियो छोड़ कर चले जाओगे भाई तो तुम्हें समझ नहीं आने वाली। तो यहाँ पर देखो, शॉर्ट मैंने यहाँ पर अपलोड कर लिया, डायरेक्टली हमें जो है यहाँ पर नेक्स्ट वाले आइकन पर क्लिक कर देना। क्लिक करते ही यहाँ पर थोड़ा प्रोसेस होगा यूट्यूब की तरफ से, और प्रोसेस होने के बाद ना हमें जो ये पेज देखने के लिए मिलेगा। डायरेक्टली हमें जो है यहाँ पर जो है इस वाले राइट वाले आइकन पे यहाँ पर सिंपल क्लिक करना होता है। ये बेसिक सी बातें हैं, बट इसे मैं स्टार्ट से समझाना चाह रहा हूँ, क्योंकि एज ए जो है नए यूट्यूबर के लिए, जो नए क्रिएटर हैं भाई शॉर्ट के, उन्हें जल्दी समझ आ जाए। तो सिंपल ये मेरा वो वीडियो आ गया जो मैंने अभी जो है इसमें अपलोड किया है। सिंपल अब थंबनेल लगाने की बारी आती है हमारी, हम किस तरीके से इसमें थंबनेल लगाएंगे। तो थंबनेल लगाने के लिए डायरेक्टली हमें इसे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। यहाँ पर मैं इसे नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में जो अगला प्रोसेस होगा उसे समझाने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, अब बारी आती है हमारे थंबनेल लगाने की। यहाँ पर वीडियो का अगला प्रोसेस हमारा ये है। अब यहाँ पर हम जो है अपने टैग, टाइटल, डिस्क्रिप्शन जो भी देते हैं, यहाँ पर आप अपना कैची टाइटल दें, यानी कि एक यूनिक सा टाइटल दें जो कि लोग यहाँ पर क्लिक करें। बट ध्यान रहे कि जब भी आप टाइटल दें तो थंबनेल के अकॉर्डिंग दें, यानी कि थंबनेल से सिमिलर आप जो है टाइटल दें, इससे आपका शॉर्ट वायरल जल्दी होगा। और यहाँ पर देखो, आपने थंबनेल दिया, आप यहाँ पर हमारा थंबनेल वाली बात आती है तो ऊपर साइड में देखो, इमेज के यहाँ पर ऊपर देखो तो एक पेंसिल बार का आइकन दिया, आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर पेंसिल है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। जैसे मैं पेंसिल पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर देखो थंबनेल चूज करने के लिए मुझे ऑप्शन सारे मिल गए। अब यहाँ पर मैं जोन सा मुझे फ्रेम लेना है। अब ये बात ये आती है कि हम इस वीडियो में जो है थंबनेल लगा रहे हैं, एक अलग से हम थंबनेल नहीं लगा सकते। जो भी हमारे क्लिप का पार्ट है, अच्छा पार्ट है, वो हम यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सिंपल मैं यहाँ पर इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, जो भी मुझे पार्ट अच्छा लगता है अपने हिसाब से, ठीक है। तो मैं जैसे मान लो यहाँ पर मुझे ये पार्ट अच्छा लगा, या मुझे ये अच्छा लगा, फॉर एग्जाम्पल ये अच्छा लगा। सिंपल मुझे इसे करने के बाद में यहाँ पर इसे डन पर क्लिक कर देना, ठीक है। नेक्स्ट पर मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया। क्लिक करते ही यहाँ पर थोड़ा प्रोसेस होगा, और प्रोसेस होकर बाद देखो आप यहाँ पर थंबनेल हमारा चेंज हो गया। आप जितनी मर्तबा भी इसे चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, पेंसिल आइकन पर क्लिक करें, उसके हिसाब से और फ्रेम चेंज करें। तो इस तरीके से 2023 में YouTube ने नए शॉर्ट में एक नया जो है फीचर दिया हमें थंबनेल चेंज करने का। तो थंबनेल हमारे लिए एज ए यूट्यूब शॉर्ट क्रिएटर के लिए बहुत अच्छा है, और इस तरीके से आप अपने यूट्यूब शॉर्ट में थंबनेल लगा सकते हैं, और इससे जो है आपकी वीडियो में रैंकिंग करेगी और आपकी वीडियो पर ज़्यादा व्यू आने के भी चांसेस रहेंगे। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो मुझे कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर ऐसे कंटेंट मैं हमेशा आपको देता रहूँगा। फिलहाल चलता हूँ, ओके बाय, जय हिंद, जय भारत।